जय हिंद दोस्तों, आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं और आपके मन में ये डाउट है कि क्या मैं इंडियन आर्मी में सिलेक्शन के बाद क्या क्रिकेटर बन पाऊंगा या मैं एक फुटबॉलर बन पाऊंगा या इंडियन आर्मी में जाने के बाद मुझे गेम्स का मौका मिलेगा, अगर मिलेगा तो मैं उसमें कितनी उपलब्धि हासिल कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, साथ ही नॉलेजेबल भी, जिससे आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि इंडियन आर्मी में खेलों का भविष्य क्या होता है। तो जैन फ्रेंड्स, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे आए कि क्या सर हम इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के बाद क्रिकेटर बन सकते हैं। तो सबसे पहला वाला आपका डाउट यही क्लियर कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जैसे अपने सबसे पहले क्या होता है, स्टेट लेवल की टीम होती है, फिर नेशनल की टीम होती है, उसी प्रकार आपने देखा होगा जो रणजी ट्रॉफी चलती है तो उसमें विभिन्न स्टेटों की टीमें भी खेलती है, उसमें रेलवे की टीम भी खेलती है। और उसमें आपको बताना चाहूँगा कि रणजी में हमारी इंडियन आर्मी की टीम भी खेलती है। आपने देखा होगा बोलते हैं कि हाँ, सेना का इससे मुकाबला, यानी कि इस स्टेट वालों से मुकाबला है। तो आप आर्मी में ज्वाइनिंग करने के बाद में भी क्रिकेटर बन सकते हैं। और अब बात करता हूँ आपको कि आप लोगों के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कभी मतलब बास्केटबॉल अपने लाइफ में पहले पकड़ी नहीं होती है। आज भी बहुत सारे गांव घर के ऐसे लोग हैं या पहाड़ी क्षेत्र के ऐसे लोग हैं जिन्होंने बास्केटबॉल, जिनके यहाँ ग्राउंड नहीं है या उन लोगों ने देखा नहीं। लेकिन क्या होता है कि आर्मी में, आपको पता ही है कि आर्मी में ट्रेनिंग, फिजिकल एक्टिविटी के साथ में गेम्स का भी बहुत बड़ा महत्व है। चाहे आप स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू भर्ती हुए हों या ना हुए हों, आप फौज में किसी भी ट्रेड के हों, तो आर्मी में गेम्स हमेशा ही होते हैं, जिससे क्या होता है कि आपका मोरल मोटिवेशन हमेशा हाई रहता है, साथ ही आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी बना रहता है। तो उस गेम में से जैसे मान लिया जाए आप लोगों को बास्केटबॉल का पता नहीं है, तो आर्मी में वो चीज़ सिखाई जाती है। बास्केटबॉल, हॉकी, फुटबॉल, बॉक्सिंग, इंडिविजुअल गेम बहुत सारे आप लोगों को सीखने के मौके मिलते हैं जो कि आप लोगों ने पहले नहीं किए होते हैं। उसमें फिर आपका इंटरेस्ट और आपकी प्रतिभा निखर के बाहर आती है। आर्मी की कोचिंग कुछ इस टाइप की होती है कि अगर आपका शौक है वो चीज़ तो आप ज़रूर बुलंदियों को छुएंगे। ताज़ा उदाहरण आपने देखा होगा नीरज चोपड़ा जी का, जो कि हमारे भारतीय सेना के एक JCO यानी कि जूनियर कमीशन अधिकारी हैं, वो भी स्पोर्ट्स कोटे के थ्रू लगे थे और आज देखो उन्होंने अपना जेवलिन के दम पे भारत का नाम फख्र से ऊँचा किया हुआ और अपने तिरंगे की शान बान को और बढ़ाया है। तो उसी प्रकार आर्मी में बहुत सारे ऐसे आपने देखा होगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि टीम से ज़्यादा इंडिविजुअल गेम में ज़्यादा आप लोगों को मौके मिलते हैं आगे बढ़ने के, अपने करियर को और ब्राइट करने के। तो अब आप लोगों के दिल में चलता होगा कि सर ये तो कुछ अपने यूनिट स्तर पे गेम एम हो गया और हम आगे बढ़ना चाहें, तो आपको बताना चाहूँगा कि मान लिया जाए आपकी रनिंग बहुत अच्छी है तो आप लोगों को क्रॉस कंट्री का मौका मिलेगा। इसके लिए आर्मी अपने कैंप चलाती है, आप लोगों को स्पेयर करती है, आप लोगों को भरपूर मौका देती है प्रैक्टिस का, साथ ही आपकी डाइट का विशेष ख्याल रखा जाता है ताकि किसी प्रकार से आप लोगों को कोई कमी ना हो। साथ ही आप लोगों को अच्छे किट्स दिए जाते हैं ताकि आप यूनिट का नाम ऊंचा कर सके, साथ ही आप जब आप जितना ऊपर सफल होंगे तो आपके यूनिट का भी नाम जुड़ा रहता है। फौज में तीन चीज़ें ही मशहूर होती है, पहला नाम, दूसरा नमक, तीसरा निशान। इन तीन चीज़ों से ही फौजी की पहचान होती है। अगर आप अपने आर्मी में रहने के बाद में ग्रोथ करते हैं तो उसके साथ में आपका भी नाम ऊंचा होता है, आपकी यूनिट का भी नाम ऊंचा होता है और आपके यूनिट का निशान का नाम भी हमेशा ऊंचा रहता है। तो चाहे आप फुटबॉलर हों, चाहे आप क्रिकेटर हों, चाहे आप बॉक्सर हों, तो कोई सा भी गेम हो, चाहे आप पहले से खेलते हों या आपका आर्मी में आने के बाद में इंटरेस्ट बढ़ा है, तो आप जो भी गेम्स होते हैं आप मन लगा के खेलिए और आपको आर्मी में गेम्स खेलने का भरपूर मौका मिलता है। बस ये है कि आपका टैलेंट निकल के आना चाहिए बाहर और आर्मी में आप लोगों के लिए मौक़ों की कोई कमी नहीं है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आप एक सेना में भर्ती हो तो पहले आप सोल्जर बनेंगे, फिर आप नायक बन, लांस नायक, नायक हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, फिर बनते हैं आप सूबेदार मेजर। लेकिन गेम्स में क्या होता है, जो आपका जो पहला है जो प्रमोशन रहता है वो बहुत अच्छा फास्ट, अगर आपने मान लिया जाए कि 100 आप लोगों के बैच एक साथ आप लोग भर्ती हुए हैं, उनमें दो बंदे गेम्स में उन्होंने स्पेशल अचीवमेंट हासिल कर ली, इसी प्रकार जैसे नीरज चोपड़ा जी ने अब देश का नाम ऊंचा किया, मेडल जीत लिए, तो आप लोगों ने जीत लिए। मैं ये तो इन्होंने तो मतलब कि
ओलंपिक लेवल यानी कि बहुत हाई लेवल पे जीता है, अगर आप लोग नेशनल में भी जीत जाते हैं या बाहर जाके आप इंटरनेशनल पार्टिसिपेट करते हैं तो भी आप लोगों को प्रमोशन मिलता है। एक सोल्जर से डायरेक्ट आप लोगों को पहले हौलदार बना दिया जाता है। तो सोचिए कि आपके साथ के जो भर्ती हुए हैं उनसे आपकी सीनियरिटी वैसे ही आगे हो जाती है, तो उसी प्रकार आपका प्रमोशन में भी जल्दी नंबर आता है, आप लोगों को फैसिलिटीज़ भी मिलती है। और कितनी अच्छी बात है कि जिस चीज़ में आप लोगों का इंटरेस्ट है वो चीज़ आपको आर्मी में रहते हुए मौका मिलता है, तो उससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बाकी डायरेक्ट एंट्री स्पोर्ट्स पर्सन की भी होती है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके लिए आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगा, यहाँ आप देख लीजिए कि अगर आप एक खिलाड़ी हैं तो आप लोगों को आर्मी में आने के लिए आप लोगों को क्या क्या बोनस पॉइंट मिलते हैं, हाइट में कितनी छूट मिलती है, चेस्ट में, रिटर्न में, सारी चीज़ की वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगी। साथ ही अब एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि स्पोर्ट पर्सन डायरेक्ट भर्ती कैसे होते हैं स्पोर्ट पर्सन के थ्रू, उसकी जल्द एक वीडियो आएगी तो आप लोगों को वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, कमेंट्स के आधार पर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।